अरे अंकल मैं अपना बना रहा हूँ, अंकल से सीट बुक नहीं कराई तो अंकल छिड़ गए हैं। अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छी जर्नी चल रही है। गाइस मतलब मेरे जब मैं केदारनाथ धाम के बारे में सोचता हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मेरे को एकदम से याद आया कि हाँ भाई कल सुन ट्रैक के लिए निकलना है, परसों तो इस वक्त मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ केदारनाथ धाम की। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अभी कश्मीरी गेट और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी केदारनाथ जो ट्रिप है, जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ से पहले मैं जाऊँगा दिल्ली टू हरिद्वार, तो कश्मीरी गेट आ गया हूँ। यहाँ से नॉर्मल बस पकड़ेंगे जो कि रोडवेज होगी इनकी, और भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। तो एक बार चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पर बसेज लगती है। सो गाइस आई कांट एक्सप्लेन मेरे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ केदारनाथ ट्रिप के लिए। और बहुत दिनों पहले ये ट्रिप मैं मतलब करना चाह रहा था, एक महीने पहले ही, बट अब जाके मौका मिला है। सुबह ये देख सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस निकल चुकी है। हरिद्वार जगह है, सीट है, एक अकेला। तो ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 से जाती है हरिद्वार के लिए। कितने बजे जाएगी सर? 20 मिनट बाद। सो भाई उसी बस के थोड़ी देर बाद ये बस लग चुकी है हमारी हरिद्वार के लिए, मतलब ये ऋषिकेश जाएगी। मेरे को हरिद्वार जाना है तो यहाँ पर हर 20 मिनट में बस आती रहती है। चलते हैं, अपनी सीट ले लेते हैं पहले, पूरी बस खाली है। सो ये जर्नी हमारी दिल्ली से शुरू हो रही है, हरिद्वार हम पहुंच जाएंगे, मतलब मैं पहुंच जाऊंगा 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा हरिद्वार, और उसके बाद प्राइवेट बस वहां से बुक कर लूँगा नेक्स्ट डे के लिए, जिससे हम सोनप्रयाग जाएंगे और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बाद हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे बाबा केदारनाथ के लिए। सो बहुत ही अच्छी ये जो सीरीज़ है बहुत ही अच्छी होने वाली है केदारनाथ धाम तक, तो एंड तक जरूर जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनके साथ आप केदारनाथ जाना चाहते हो इस साल। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी बस का यहाँ से रवाना होने का ISBT से, और बजट में जर्नी रहेगी, चीपेस्ट जर्नी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली से भी मैंने रोडवेज बस आपको दिखाई है, ISBT से जो आपको मिलेगी नॉर्मल फेयर होता है इसका, और सीट भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। तो जब भी मैं ऐसे रोडवेज में ट्रैवल करता हूँ और मेरे को सीट प्रेफरेंस मिलता है तो मैं ये वाली सीट जरूर लेता हूँ, क्योंकि लेग स्पेस अच्छा खासा होता है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पीछे वाली सीट है ये, यहाँ पर मैंने अपना लगेज रख दिया है। अभी तक तो बस ऑलमोस्ट खाली है और ये नॉर्मल सीट है, इसका लेग स्पेस देख सकते हो इतना होता है, इतना लेग स्पेस होता है इसका, लगेज स्पेस भी ऊपर। हमारी बस निकलते ही प्लेटफॉर्म पे एक और बस लग गई है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। तो गाजियाबाद पहुंच गए हैं अब और 1 घंटा हो गया हमारे रन को। हाईवे के पास हूँ मैं, टाइम हो गया है 6:30, शाम का वक्त हो गया है, सनसेट देखने को मिल रहा है आगे मुझे बहुत अच्छा, और हरिद्वार में पहुंच जाऊंगा लगभग 9:30 तक बता रहे हैं मुझे, 9:30 तक हरिद्वार में पहुंच जाऊंगा। हॉल्ट पे मैंने एक आइसक्रीम ली है बस, ये वाड़ीलाल की, घर से मैं थोड़ा बहुत पैक करके लेके आया था, वही खाऊंगा अभी मैं। तो ठीक है, अच्छी जर्नी चल रही है। अराउंड 3 घंटे बाद रोका है इस हॉल्ट पे, 3:30 बजे हम दिल्ली से चले थे और 6:30 बजे हॉल्ट पे रोक लिया है। इधर ही साइड में हाईवे है जैसे आप देख सकते हैं, और नज़ारे कैप्चर करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपने अभी रिसेंट देखा था, ये देखो भाई ये सनसेट हो रहा है।
गाइस मतलब मेरे जब जब मैं केदारनाथ धाम के बारे में सोचता हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मेरे को एकदम से याद आया कि हाँ भाई कल सोन ट्रैक के लिए निकलना है, परसों तो इस वक्त मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ केदारनाथ धाम की, तो मन गदगद हो जाता है भाई। बस जस्ट निकलने का टाइम हो गया है यहाँ से। अभी क्या है ना, थोड़ा वहाँ पर होटल में पीछे पंगा हो गया था क्योंकि 50 रुपये उन्होंने बोला था जूस का चार्ज करने के लिए और 200 रुपये चार्ज करा एक कस्टमर से, तो थोड़ी लड़ाई हो गई थी। तो अगर आप भी ट्रैवल करो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। मैं रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको कि मैं थोड़ा लेट पहुँचा वहाँ पर, इसलिए कि उसी चीज़ की भीड़ लगी हुई है। ये जूस वाला है वो ओवर चार्ज कर रहा था वो पैसेंजर से। टिकट है दिल्ली कश्मीरी गेट से हरिद्वार का, जो कि मेरे को पड़ा 365 रुपीज़ का, जैसे कि देख सकते हैं आप। फाइनली पहुंच गए हरिद्वार और बस खाली हो गई ऑलमोस्ट, बट ऋषिकेश तक जाइए बस। सो हरिद्वार तक का इस गवर्नमेंट बस में जो मेरा फेयर लगा है वो लगा है 365 रुपये। बहुत अच्छी मतलब ठीक सर्विस है रोडवेज की, बट एक चीज़ मुझे रोडवेज की अच्छी नहीं लगती वो है इनका जो हॉल्ट होता है स्टॉपेज, वो अच्छी जगह नहीं रोकते ये, मतलब फूड अच्छा नहीं होता वहाँ का और चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर प्राइस कर रखा था, ये बस सही लगता मेरे को। हरिद्वार पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। तो यहाँ है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ये है हरिद्वार बस स्टैंड। सो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ही मैं आ गया हूँ बुकिंग काउंटर्स पे, और हरिद्वार मतलब केदारनाथ धाम के लिए सोन प्रयाग के लिए यहीं से मेरे को बस मिलेगी, मतलब मेरे को यहीं से बुकिंग करानी है बस की। तो यहीं पे मैं ऑफलाइन एक बार चेक कर रहा हूँ कि मेरे को कहाँ बेटर ऑप्शन मिल पाएगा बजट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑफलाइन काउंटर्स हैं, प्राइवेट काउंटर हैं सारे चारधाम यात्रा। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं सोन प्रयाग के लिए बस की एक सीट बुक कर लूं, और अगर बस की सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट जो शेयर टैक्सी होती है वो देखनी पड़ेगी मेरे को। अब देखते हैं प्राइस कितना होता है, इस बार मे भी प्राइस ज़्यादा होगा बट मैं ऑफलाइन ही चेक करूँगा, बताता हूँ। सो भाई फाइनली सीट मिल गई है मेरे को, बस के लिए मैंने सीट ले ली है, जहाँ भी रेट सारा पूछा 900 रुपये सब बता रहे थे, तो 900 रुपये में मैंने डन कर ली फिर अपनी सीट, कैबिन वाली सीट लिया मैंने सबसे आगे, कि वहाँ से व्यू बहुत ऐसा देखने को मिलेगा। इस वक्त वीकेंड चल रहा था, क्राउड भी बहुत ज़्यादा था हरिद्वार से सोन प्रयाग वाले रूट पर, तो जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने 900 रुपये देकर बस की एक सीट बुक करवा ली। बाद में मुझे पता लगा कि अगर आप डायरेक्ट कंडक्टर से सीट बुक करवाते हैं तो वो आपको 550 से 600 रुपये की पड़ेगी, तो अच्छा रहेगा कि आप इन प्राइवेट बस काउंटर से अपनी सीट बुक ना करवाएँ, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से बस की सीट बुक करवानी है नॉर्मल फेयर में। तो सीट भी बुक हो गई है अब कैबिन वाली, चलते हैं अब आगे की तरफ, डिनर करेंगे अब। अरे अंकल मैं अपना बना रहा हूँ, अंकल से सीट बुक नहीं कराई तो अंकल छिड़ गए हैं। कोई नहीं, सुबह 5:30 बजे मुझे पहुँच जाना है और
अर्ली मॉर्निंग बस ले लेनी है। अगर आपको कैश निकालना होगा तो जस्ट रेलवे स्टेशन के अंदर ही 2 ATM है, जैसे कि आप देख सकते हो हरिद्वार रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कैश। डिनर रेडी हो रहा है, जस्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आगे मैं यहाँ पर डिनर कर रहा हूँ। सो ये है अपना डिनर, पनीर, चावल, मिक्स वेज, दाल, दही, सलाद और 4 रोटी। अच्छा खासा डिनर भी कर लिया और हर की पैड़ी पहुंच गया हूँ अब मैं। सो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की जर्नी। केदारनाथ सीरीज हमारी कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग के लिए। बस की एक सीट मैंने बुक कर ली है कैबिन वाली, जैसे कि इस ब्लॉग में देखा ही आपने, 900 रुपीज़ में वो हुई है मेरी। सो कल सुबह यहाँ से जल्दी निकलूँगा मैं, मतलब 5:30 का टाइम है यहाँ से निकलने का हरिद्वार का। तो नेक्स्ट ब्लॉग वो देखने को मिलेगा आपको, नेक्स्ट ब्लॉग तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब सोनप्रयाग में पहुंच जाएंगे, सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाय।